अच्छा, अब जो है वो अगली बात जो है वो आती है डिफ्लेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं जो है ना वो बिल्कुल एक रफ सा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना वो आपके पास एक बीम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूट्रॉन कहाँ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये लो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है, अब जो है वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो जो है वो ये जाएगा। और आखिर में जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो वो जो है वो अनरिफ्लेक्टेड रहेगा और वो जो है वो स्ट्रेट अपने रास्ते पे जाता रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, दैट इज इट, ये छोटा सा एक आता होता है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि चार्ज बढ़ा देंगे ना तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, मोर द चार्ज मोर द डिफ्लेक्शन एंड मोर द मास लेसर द डिफ्लेक्शन। ठीक है।